मैं मनोज सिंह एक नेवडियो के साथ आपके सामने आ जाऊँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेक्शन 5 के अंतर्गत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 5 संपत्ति का अंतरण। देखिए संपत्ति का अंतरण की क्या डेफिनेशन है। सेक्शन 5 सेज दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय व्हिच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन एंड टू ट्रांसफर प्रॉपर्टीज टू परफॉर्म सच एक्ट। यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक एक्ट के द्वारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है, ठीक है, जो प्रेजेंट भी प्रभावी हो सकता है, फ्यूचर भी प्रभावी हो सकता है, और ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसको किया जा सकता है, वन और मोर अदर पर्सन टू हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर पर्सन। सिंपल सी बात, इट इज एन एक्ट, एक्ट है। क्या किया जाता है इसके द्वारा, जीवित व्यक्तियों के बीच में संपत्ति का अंतरण होता है, इफेक्टिव हो सकता है प्रेजेंट में भी फ्यूचर में भी, किसको ट्रांसफर होता है, वन और मोर अदर पर्सन, सेल्फ एंड वन और मोर अदर पर्सन। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसके एसेंशियल एलिमेंट है। पिक्चर आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है कि एक्ट लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी कॉम्पिटेंट पार्टी। देखते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट एंड एक्ट। ध्यान रखिएगा, जब एक एक्ट करके कोई प्रॉपर्टी कन्वे की जाती है, ट्रांसफर किया जाता है, तभी वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट बनता है। सक्सेशन, क्योंकि किसी एक्ट के द्वारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं है, इसलिए वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, बल्कि वो सक्सेशन एक्ट में जाता है, क्योंकि उसमें कोई काम करके आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते। मिस्टर एक्स मर गए, उनकी प्रॉपर्टी सक्सेसर्स को चली गई, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर है, इसलिए वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट का बनने के लिए बहुत जरूरी है कुछ काम करके प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया गया हो, जैसे गिफ्ट, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज एक्सेट्रा। लिविंग पर्सन के बीच में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए। लिविंग पर्सन हम आप हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, हालांकि ये जीवित नहीं है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के पर्पज से जीवित मान लिए गए हैं। यानी जीवित व्यक्तियों के पीछे संपत्ति का अंतरण होना चाहिए। एक व्यक्ति ट्रांसफर हो जाता है, जो ट्रांसफर करता है, जिसको ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफर ही बन जाता है। अब एक समस्या उठती है कि किसको ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, उसमें हमने आपको बताया कि वन और मोर पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल्फ यानी खुद को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। 1929 के पहले आप खुद को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, लेकिन उस 1929 के बाद आप कर सकते हैं। पूछेंगे क्यों, कैसे कर सकते हैं, एक ट्रस्ट बनाइए और अपने आप को अकेला ट्रस्टी बना दीजिए, ये प्रॉपर्टी सेल्फ को ट्रांसफर होगी। वन और मोर अदर पर्सन एंड सेल्फ यानी कुछ लोगों के साथ मिला करके खुद को ट्रांसफर करिए। एग्जाम्पल से समझिए, ए बी सी को आपने ट्रांसफर कर दिया, वन और मोर पर्सन सेल्फ, आपने खुद को ट्रांसफर कर दिया, सेल्फ हो गया। वन और मोर अदर पर्सन एंड सेल्फ ए बी एंड सी और खुद को, यानी ए बी सी और खुद को मिला के ट्रांसफर कर दिया, ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट बन गया। यानी वन और मोर अदर पर्सन्स सेल्फ, वन और मोर पर्सन्स एंड सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं कन्वे। कन्वे का मतलब होता है ट्रांसफर, सिंपल सी बात है। और ये ट्रांसफर क्या होता है, इन प्रेजेंट इफेक्टिव हो सकता है, फ्यूचर में भी इफेक्टिव हो सकता है। आपने अपने सिस्टर को एक बनाया मकान गिफ्ट किया, तुरंत इफेक्टिव हो गया, तुरंत वो उसका पोजीशन प्राप्त कर लेंगे, तुरंत वो उसके हकदार हो गए। या आपने एक लीज किसी को किया और कहा कि ये इफेक्टिव होगा 6 महीने के बाद से, ठीक है, इन फ्यूचर हो गया। यानी इन प्रेजेंट भी इफेक्टिव हो सकता है, ये आपका ट्रांसफर इन फ्यूचर भी। नेक्स्ट एलिमेंट है प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी, चूँकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, तो नेचुरली जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्रॉपर्टी होना चाहिए। और प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखते हैं नेक्स्ट है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। हर आदमी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसे अथोराइज नहीं किया गया। कौन ट्रांसफर कर सकता है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी ही मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज 18 ईयर्स और एबव, यानी 18 साल उससे ज़्यादा का पर्सन है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। साउंड माइंड हो यानी विकृत चित्त ना हो, नॉट अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन, यानी लॉ ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए डिस्क्वालीफाई ना किया हो। आप पूछेंगे डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते, जैसे कि दिवालिया व्यक्ति, उसे कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, या वो चूँकि अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही इनएलिजिबल है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का कोई सवाल ही नहीं उठता उसके द्वारा। यानी प्रॉपर्टी कौन कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट मतलब 18 से ज़्यादा, साउंड माइंड मतलब स्वस्थ चित्त हो, नॉट डिक्लेयर्ड नॉट डिस्क्वालीफाइड पर्सन, लॉ ने ऐसे पर्सन को डिस्क्वालीफाई ना किया हो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से, वो व्यक्ति भी ट्रांसफर कर सकता है। अगर लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है तो ऐसा पर्सन कतई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। थैंक यू।